हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम एपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल फिजियोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दूंगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो डेली तकरीबन जो है 50 to 70, यानी कि 50 से लेके 70 बिलियन सेल्स जो है मर जाते हैं। ओके, यानी सेल डेथ होता है। उसी तरह ये एडल्ट्स में है, बच्चों में जो है 8 साल से 14 साल के बच्चों में जो है 20 to 30, यानी कि 20 से 30 बिलियन सेल्स जो है हर दिन वो सेल डेथ यानी कि मर जाते हैं। तो सेल डेथ जो होता है दो किस्म का होता है। सेल डेथ, जो भी सेल हमारे बॉडी में है, बहुत से सेल्स जो है डेथ होते हैं। जैसे अभी आपको बताया, दिन में जो है तकरीबन 50 से 70 बिलियन सेल्स जो है डेथ हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो इस सेल डेथ की क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है नेक्रोसिस, ठीक है, ब्रॉडली बता रहा हूँ नेक्रोसिस। और एक जो दूसरी क्रिया है उसे कहते हैं अपोप्टोसिस, जो कि आज का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, यानी कि अगर सेल डेथ कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस से हो, कोई बीमारी आ जाए किसी वजह से, या कुछ मतलब सेल को ट्रॉमा हो जाए, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो सेल डेथ हो जाता है, तो वो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। अपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ की एक ये है, यानी कि इसको मान लीजिए, अगर हम डेथ, अगर किसी चीज़ को, अगर डेथ जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मर्डर हो सकता है, तो सुसाइड हो सकता है। तो अपोप्टोसिस सुसाइड ऑफ द सेल्स है, ठीक है। नेक्रोसिस मर्डर ऑफ द सेल्स है, ठीक है। अगर हम इस बारे में अगर हम याद रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो नेक्रोसिस यानी कि सेल को मार रहे हैं किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस, और नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल यानी कोई बीमारी या कोई उससे हो सकता है। लेकिन अपोप्टोसिस जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस से, दोनों से भी हो सकता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ यहाँ पे बहुत एक नीट किस्म का डेथ होता है, तो उसको अपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी डिफरेंसेस है, पूरे डिफरेंसेस मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, अभी रफली बता दूंगा कि नेक्रोसिस में देखिए इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसके आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं, अतराफ के जो सेल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन नजर आएगा, ठीक है, जब सेल डिस्ट्रक्शन या सेल डेथ होता है। यहाँ पे अपोप्टोसिस में जो है नो इन्फ्लेमेशन नजर नहीं आएगा, ठीक है, एकदम नीट टाइप का सेल डेथ हो जाता है। एक प्रोग्राम तरीके से जो है सेल डेथ हो जाता है। वो कैसे प्रोग्राम तरीके से सेल होता है, उसके एग्जांपल कौन से सेल्स एपोप्टोसिस के जरिए डेथ होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता। और नेक्रोसिस में का जो प्रोसेस होता है, जब सेल डेथ होता है, तो जो नेक्रोटिक सेल्स है वो स्वेलिंग यानी कि सूजा हुआ होता है, तो यहाँ पे जो है उसमें श्रिंकेज नजर आ जाता है, ठीक है, श्रिंकेज नज़र आता है। और बहुत से चीज़ें हैं इसमें जो है, एक अपोप्टोटिक बॉडीज यानी कि कुछ एक सेल की एक छोटी सी किस्म, छोटा सा एक टुकड़ा होता है, उसको अपोप्टोसिस बॉडीज कहते हैं, या ब्लब्स भी कहते हैं, वो पैदा होते हैं, जो कि नेक्रोसिस में नहीं पैदा होते। और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, मैं उसके बारे में फिर कभी बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी राइट नाउ इतना याद रख लीजिए, नेक्रोसिस जो है सेल का जो है मर्डर ऑफ ए सेल्स है, और अपोप्टोसिस सुसाइड ऑफ ए सेल है। अपोप्टोसिस का डेफिनेशन बोलेंगे तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक प्रोग्राम तरीके से सेल जो है मर जाता है। तो अभी नेक्रोसिस दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज जो है अपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहले जो है एग्जांपल्स देखते हैं अपोप्टोसिस, सेल डेथ होता क्यों, होना जरूरी क्यों है, और कौन से जगह पर सेल डेथ होती है, ठीक है। तो अपोप्टोसिस जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपोप्टोसिस जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी होता है और पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भी होता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी सेल्स मर जाते हैं, ठीक है। बहुत से वैसे फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जहां पर अपोप्टोसिस होती है, काफ़ी एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस, ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस
या ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जैसे कि देखिए ह्यूमन बॉडी, जो बच्चा जो पैदा होता है माँ के पेट में तकरीबन 9 महीने के लिए, ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग से लेकर पूरा बड़ा अडल्ट तक, बहुत से जो चेंजेस होते हैं उसको एम्ब्रियोजेनेसिस होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एग्जाम्पल, जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ये जो हाथ होता है जो फुल्ली फुल टर्म न्यूबॉर्न में, जैसे फुल्ली एक नॉर्मल इंसान में जो है 5 उंगलियां नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये पैदावर होता है, जब शुरू में जब बनता है, तो इसका ये जो हाथ का जो शेप है ये ऐसे रहता है, यानी कि इसमें पूरे 5 उंगलियां नजर नहीं आती है, मतलब ऐसे रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो बाद में जो है आहिस्ता से इसमें से जो है आपके पूरे डिजिट्स यानी कि उंगलियाँ जो है ऐसे नजर आते हैं। तो ये जो बीच के जो सेल्स हैं ये मर जाते हैं या सेल डेथ होते हैं, तो इसको एक एग्जांपल है अपोप्टोसिस के जरिए ये निकल जाते हैं। अगर ये अपोप्टोसिस का अगर प्रोसेस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ऐसा फिंगर्स जो है जुड़ जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा फिंगर नज़र आती है, लेकिन ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी खाने की नली, ठीक है, तो वो शुरू में जो है एक ऐसा सॉलिड ऑर्गन होता है, सॉलिड मास होता है, ठीक है, इसके बीच में से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है वो बाद में बनता है, तो उसके बीच जो सेल्स हैं वो अपोप्टोसिस के जरिए सेल डेथ हो जाती है। तो वो भी एक एग्जांपल, एक उदाहरण है, ये है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एक ईसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसी तरह काफी चीजें हैं, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस में एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो हार्मोन डिपेंडेंट सेल्स, हार्मोन डिपेंडेंट सेल्स जो बहुत से हार्मोन डिपेंडेंट सेल्स हैं वहाँ पे भी अपोप्टोसिस होती है। एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकल्स, ओके, फीमेल में जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकल्स होती है, जो मंथली ब्लीडिंग्स होती है, तो यूटरस के अंदर जो उसके अंदर की जो अंदर की लेयर है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने की वजह से एकदम जब सडन डाउन हो जाता है हार्मोन तो एंडोमेट्रियल सेल्स जो है शेड हो जाते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में होती है, तो वो भी एक प्रोसेस का एग्जांपल है अपोप्टोसिस, ओके। सिमिलरली लैक्टेशन में, लैक्टेशन में जो है जो ब्रेस्ट टिश्यूज, जो मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स हैं आफ्टर लैक्टेशन जो है वो डिसोल्यूट हो जाते हैं, तो वो भी एक हार्मोन डिपेंडेंट सेल्स हैं, हार्मोन डिपेंडेंट अपोप्टोसिस है, यानी कि अगर हार्मोन की जब कमी हो जाएगी तो जो वो सेल्स जो है मर जाएंगे, सेल डेथ होंगे। तो कैसे होंगे, वो अपोप्टोसिस के जरिए होंगे, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कशन करेंगे। अभी एग्जांपल्स फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल कंडीशंस में जो अपोप्टोसिस होती है, ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी जो सेल प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स है बोन मैरो और थाइमस में, ठीक है, तो ये बहुत से लिम्फोसाइट्स जो हैं ये भी जो है अपोप्टोसिस के जरिए, जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं वो भी जो है अपोप्टोसिस के जरिए सेल डेथ होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो है एग्जांपल्स आपके स्किन टिश्यूज़ में, एपिथीलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो ये जो भी जो सेल्स जो भी रिक्वायर्ड नहीं है जो डेथ हो जाते हैं उसे भी ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। फिर और चौथा एग्जांपल है आपका जो सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो ऑटो एंटीजेंस के जैसे रहते हैं, जो खुद को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो खुद के टिश्यूज़ को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वैसे लिम्फोसाइट्स को भी या टी सेल्स को जो जो खुद ब खुद टेल्स जो टी सेल जो है दूसरे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो टी सेल्स भी जो हैं अपोप्टोसिस के जरिए ऐसे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो सेल्स होते हैं या लिम्फोसाइट्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपोप्टोसिस के प्रोसेस से। फिर पांचवा एक एग्जांपल है, जैसे कि एक इन्फ्लेमेशन होने के बाद न्यूट्रोफिल्स यानी उसका काम हो गया, न्यूट्रोफिल जो WBC का एक प्रकार है, उसका मेन उसका जो रोल होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, उसने एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर दी, उसके बाद जो अपने आप जो है सेल मर जाएगा, तो वो भी अपोप्टोसिस के जरिए हो गए। ये थे फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स। अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कौन से पैथोलॉजिकल या डिसीज या बीमारी के कंडीशंस में जो है अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि सेल्स बॉडी में अपोप्टोसिस के जरिए एक प्रोग्राम तरीके से नीट तरीके से जो है सेल डेथ होगा, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस, तो याद रखिए अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी होता है, तो दोनों कंडीशन में सेल डेथ होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस में, ठीक है। तो उसके भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि DNA डैमेज हो गया सेल का, जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, DNA डैमेज है किसी रेडिएशंस की वजह से या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या कैंसर की थेरेपी की वजह से कोई ड्रग्स वो जो ले रहे हैं, तो उससे जो सेल्स के जो डैमेज होता है वो भी अपोप्टोसिस की वजह से होता है, ठीक है। देन
दूसरा एग्जांपल वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ओके, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जैसे कि हेपेटाइटिस है या HIV के इन्फेक्टेड सेल्स है, वो भी डैमेज हो जाते हैं या सेल डेथ हो जाते हैं, तो वो भी एक एपोप्टोसिस के प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। उसी तरह काफ़ी है पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल और एक जो है पैरेन्काइमल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल जो ये होता है कंकर आता है गाल ब्लैडर में, तो गाल ब्लैडर का जो कंकर है या रीनल स्टोन्स होते हैं किडनी के, तो जो किडनी के जो स्टोन्स से जो ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाने के बाद जो यहाँ के थोड़े सेल्स ब्लॉकेज से पहले जो डेथ हो जाते हैं, वो भी एक एपोपैरेन्काइमल टिश्यूज़ इसकी कोई स्टोन्स की ब्लॉकेज की वजह से जो भी होती है, वो भी एक एपोप्टोसिस के प्रोसेस से होती है। और एक एक एग्जाम्पल है एबनॉर्मल प्रोटीन्स फोल्डिंग, तो देखिए सेल्स में जो है काफ़ी प्रोटीन्स की पैदावार होती है, ओके, सेल्स में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है यहाँ से DNA से mRNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, फिर ट्रांसलेशन, बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं सेल के अंदर, हर बहुत से सेल्स में। तो ये जो प्रोटीन्स का बनने का जो प्रोसेस है, बाज़ वक्त जो है एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स यानी एबनॉर्मल प्रोटीन्स को भी सेल डेथ वो जो होने से जो है जो वो उससे जो दूसरे उसका जो सिग्नलिंग होता है, तो अगर वो सिग्नलिंग ख़राब हो रहा है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो रहा है, तब भी सेल डेथ हो जाता है, तो उसको भी एक एग्जांपल है एपोप्टोसिस का, ठीक है। तो बाज़ वक्त जो है ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में काफ़ी होते हैं, तो इसे कहते हैं एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, जहाँ पे वो सेल में एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में काफ़ी एबनॉर्मल प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, उस वजह से उस सेल की फिर जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि मैकेनिज्म कैसे सेल डेथ होता है, अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे मैंने आपको बताया ये सुसाइड ऑफ सेल है, तो इसको सिग्नल, सेल को सिग्नल कहाँ से मिलता है, कैसे जो है सेल्स जो है खुद ब खुद मर जाता है, उसको सिग्नल्स कहाँ से मिलता है, कौन से केमिकल या कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पैथोलॉजी में या फिजियोलॉजी में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम्पल देने होंगे और मैकेनिज्म समझानी है, ठीक है। तो अब एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कैसे है, तो देखिए एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे के जरिए होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहता है, और एक जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। सो दो पाथवे के जरिए जो है कोई भी सेल एपोप्टोसिस के जरिए सेल डेथ यानी मर जाता है, तो उसके दो तरीके हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे को डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो जो भी सेल है इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, जो अल्टीमेटली जो है सेल के अंदर, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये सेल जो है सेल के अंदर बहुत से केमिकल चेंजेस होंगे और सेल जो है उसका सेल यानी मर जाएगा अल्टीमेटली, तो वो प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन उसके एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये जो भी एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है, चाहे इंट्रिंसिक पाथवे से हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसके अंदर सेल के अंदर एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीज जैसे एक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कैसपेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कैसपेसिस इंपॉर्टेंट है सेल को मारने के लिए, सेल डेथ के लिए, ठीक है, कैसपेसिस, ओके। तो कैसपेसिस मान लीजिए ये कैसपेस है, यानी कि एक एंजाइम है, एक प्रोटीएस है, जो कि सेल को, सेल के जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म के साइटोस्केलेटन वगैरह है, तो उसको पूरा खा जाएगा, न्यूक्लियस को खा जाएगा, उसके साइटोस्केलेटन को खा जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनेल्स को खा जाएगा। तो ये जो कैसपेसिस है, जो एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेकिन एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ये जो कैसपेसिस है ये इनएक्टिव रहता है, यानी कि एक्टिव नहीं रहता है, तो उसे जो इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रोकैसपेसिस कहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव रहेगा, यानी कि इसके ऊपर जो है जो एक्टिव फॉर्म रहेगा वो उसका, यानी कि ये काम नहीं करेगा, ये जो
कैस्पेसस है जो सेल के न्यूक्लियस को खा लेगा, उसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स को खा लेगा, साइटोस्केलेटन को खा लेगा, वो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेटेड पर रहेगा, उसे प्रो कैस्पेसस कहते हैं। ओके, कैस्पेसस बहुत सी किस्म है, कोई इन्फ्लेमेटरी कैस्पेसस होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी कैस्पेसस की डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, बट इतना याद रख लीजिएगा एपोप्टोसिस का जो भी मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट थिंग है कैस्पेसस, ये एक्टिवेट होगा, प्रो कैस्पेसस जो है कन्वर्ट होगा एक्टिव कैस्पेसस में, यानी कि इसका एक्टिव साइट आएगा और इसको सेल को खा लेगा और सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम कैस्पेसस कैसे पड़ा? ठीक है, इसके जैसे अल्फाबेट्स में आप देखिएगा तो ये जो सी है, सी डिनोट करता है सिस्टीन को, यानी कि ये जो कैस्पेसस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी प्रो कैस्पेसस जब एक्टिव हो जाता है तो उसके ऊपर जो इनएक्टिव की जो परत है वो निकल जाता है, जो एक्टिव बन जाता है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये बेसिकली प्रोटीएस है, तो इसमें जो अमाइनो एसिड होती है सिस्टीन होती है, सिस्टीन। ठीक है, तो ये जो एक्टिव साइट पे, यानी कैस्पेसिस की जो एक्टिव साइट पे जो केमिकल ये जो मॉलिक्यूल है वो है सिस्टीन। ठीक है, तो ये सिस्टीन जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंडो न्यूक्लियस बनेगा, वो बनेगा न्यूक्लियस को खा जाएगा, उसके साइटोस्केलेटन को खा जाएगा, तो जो भी न्यूक्लियस या जो भी केमिकल के प्रोटीन्स के जो भी अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स को खा लेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऐड करेगा? ये एक्ट करेगा एस्पार्टेट रेसिड्यूस, तो प्रोटीन्स में भी के जो चेन होती है उसमें अमाइनो एसिड्स होती है बेसिकली, तो अमाइनो एसिड्स में एक है एस्पार्टेट। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गया है। ये कैस्पेसस क्या है? कैस्पेसस एक प्रोटीएजेस है, प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, तो कहाँ पे तोड़ देगा? एस्पार्टेट। ओके, एस्पार्टेट जहाँ पर है वहाँ पे करेगा, तो सिस्टीन रेसिड्यू जो है इसके एक्टिव साइट पे है, और ये काम कहाँ पे करेगा? जहाँ पर एस्पार्टेट मॉलिक्यूल है प्रोटीन केस में, जो अमाइनो एसिड है, तो वहाँ पर ये एक्ट करेगा, इसलिए इस प्रोटीएजेस को, ये जो एंजाइम है जो कि प्रोटीएजेस है जो कि प्रोटीन को खा जाता है, तो उसके लिए इसका नाम कैस्पेसस रखा गया। तो याद रखिए कैस्पेसस बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, फिर कैस्पेसस इसका जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है, ये कैस्पेसस के जरिए पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत नीट तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, और आजू बाजू जो है जो दूसरे सेल्स है वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। नेक्रोसिस यानी कि जो सेल डेथ होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक नेक्रोसिस है, जहाँ के हार्ट के मसल में जो है खून की कम सप्लाई की वजह से जो है कार्डियक मसल डेथ हो जाता है, तो उसके आजू बाजू इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, बहुत क्लीन डेथ होगा, यानी कि ये सुसाइड ऑफ द सेल है। ठीक है, इसके काफी फैक्टर्स हैं, खैर एनीवे कैस्पेसस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैस्पेसस जो है दो किस्म के होते हैं यहां पर, एक होता है इनिशिएटर कैस्पेसस और एक होता है एग्जीक्यूशनर कैस्पेसस। ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेसस, इनिशिएटर यानी कि शुरुआती दौर में थोड़े कैस्पेसस एक्टिवेट होते हैं, उसको इनिशिएटर कैस्पेसस कहेंगे। उसके बाद जो फाइनल जो कैस्पेसस जो कि न्यूक्लियस को खा जाएंगे या अंदर के न्यूक्लियस को पूरे सेल को खोखला करके सेल डेथ करेंगे, उसे कहेंगे फाइनली जो कैस्पेसस मॉलिक्यूल है उसको एग्जीक्यूशनर कैस्पेसस कहेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशनर कैस्पेसस। तो दो टाइप के कैस्पेसस होते हैं, इनिशिएटर जो स्टार्टिंग के जो कैस्पेसस जो एक्टिवेट होता है उसको, और एक जो है एग्जीक्यूशनर कैस्पेसस होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली याद रखें कैस्पेसस एक्टिवेट होंगे, तो पहले जो है सेल्स के अंदर जो है ये कैस्पेसस एक्टिव नहीं होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म को प्रो कैस्पेसस होता है। प्रो कैस्पेसस से कैस्पेसस कैसा बनता है ये दोनों पाथवे के जरिए अभी मैं आपको बताता हूं, तो बहुत सा आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दे दीजिए, एक बार आपने अगर समझ लिया तो आपको रट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बस हाईलाइट करूंगा मेन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे को जो है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, तो और एक्सट्रिंसिक को डेथ रिसेप्टर पाथवे। ओके, हम पहले इंट्रिंसिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सब लोगों को पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल जो के कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको कहते हैं साइटोक्रोम सी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम सी। ओके, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में उसमें काफी काम आता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है आमतौर पर बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं रहता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहता है। तो अब जब ये अगर ये साइटोक्रोम सी अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अगर बाहर आ जाएगा तो ये जो है प्रोकैस्पेसिस इनिशिएटर प्रोकैस्पेसिस को
कैश स्पेसेस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसको एक्टिव कर देगा। कौन से कैश स्पेसेस को एक्टिवेट करेगा? यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे में कैश स्पेस 8 को, जो कैश स्पेस 8 जो कि इनएक्टिव फॉर्म था, इनएक्टिव फॉर्म में था। मान लीजिए ये कैश स्पेस 8 है, मैं आपको एक ये ऑरेंज से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये एक कैश स्पेस एंजाइम है जो कि इनएक्टिव था, ओके, जो कि प्रो कैश स्पेस में था। अगर ये साइटोक्रोम सी बाहर आ जाए साइटोप्लाज्म में, तो ये जो प्रो कैश स्पेस 8 को एक्टिव कैश स्पेस 8 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसका जो एक्टिव जो इसके ऊपर की जो परत थी वो निकाल देगा, उसको एक्टिव बना देगा, यानी कि प्रो कैश स्पेस 8 को कैश स्पेस 8 यानी कि एक्टिव कैश स्पेस 8 बना देगा, जो कि एक इनिशिएटर कैश स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में, ठीक है। तो नॉर्मली ये अंदर रहता है, तो ये निकलेगा क्यों, निकलेगा क्यों? तो नॉर्मली जो है सेल्स के अंदर बैलेंस होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, बस उसमें वो बैलेंस जो है प्रो एपोप्टोटिक जीन्स कहते हैं और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के बीच में बैलेंस होता है। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स यानी कि वो केमिकल्स होते हैं जो कि अपोप्टोसिस करना चाहते हैं, और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स वो केमिकल होते हैं जो कि अपोप्टोसिस को रोकते हैं, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक यानी कि जो प्रो अपोप्टोटिक यानी कि जो अपोप्टोसिस करना चाहते हैं वो जीन्स होते हैं बैड बैक्स एंड बैक, ओके, बैक्स एंड बैक, ओके, बी ए एक्स बी ए के। तो ये जो जीन्स होते हैं ये अपोप्टोसिस करना चाहते हैं, ठीक है। इनके और जो है बाज जो जीन्स होते हैं ये है जैसे बी सी एल टू बी सी एल एक्स एल, ओके, ये जो है बी सी एल टू और बी सी एल एक्स एल, ये जो जीन्स हैं ये है एंटी अपोप्टोटिक जीन्स, एंटी अपोप्टोटिक जीन्स यानी कि ये अपोप्टोसिस को रोकते हैं। तो नॉर्मली सेल में दोनों का बैलेंस होता है और नॉर्मली अपोप्टोसिस नहीं होती, यानी कि जो अपोप्टोसिस करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते दोनों बैलेंस वे में रहते हैं। कैसे बैलेंस वे में रहते हैं? तो जिस जो साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहता है, तो इसको बाहर आने के लिए जो भी चैनल है, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्रोटीन का कुछ चैनल है जिससे साइटोक्रोम सी बाहर आ सकता है साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया से, तो ये जो BCL2 BCL XL जो है ये इसको इनहिबिट करके रखते हैं, यानी कि रोक के रखते हैं ये, ओके, डाइमर या होनमोर बहुत से केमिकल प्रोसेसेस है, उसका एग्जैक्ट मैं अभी उसके डिस्कशन नहीं करूंगा, बस टाइमिंग इतना याद रख लीजिए, ये जो एंटी अपोप्टोटिक जीन्स है इसको ब्लॉक करके रखते हैं, इससे जो है साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अपोजिट में ये बैक बैक्स और बैक जीन्स जो कि अपोप्टोटिक जीन्स हैं, ये चाहते हैं कि ये यहाँ से सेल्स के इससे वापस आ जाए, ठीक है। तो जब सेल डेथ की जो भी मैंने आपको फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स दिए हैं, जब यहाँ पे जो है इसको सेल को सिग्नल मिल गया किसी और सेल से, ओके, यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मान लीजिए जैसा हार्मोन सेंसिटिव सेल्स में ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि हार्मोन्स जो है नहीं आ रहे हैं या हार्मोन्स को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, तो जब सेल्स में इंबैलेंस हो गया यानी कि अब सेल डिस्टाइंड है सेल डेथ के लिए, तो जब ये बैलेंस कम हो जाता है और प्रो अपोप्टोटिक जीन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली ये जो है ये अपना प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और साइटोक्रोम सी जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो जब ये साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो साइटोक्रोम सी जो है और एक एक प्रोटीन से मिल जाता है जिसे कहते हैं अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 APAF1, ओके, इससे मिल जाता है ये साइटोक्रोम सी और अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तब वो क्या करते हैं, प्रो कैश स्पेस 8 को कैश स्पेस 8 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कैश स्पेस 8 एक्टिव हो जाता है। ये एक इनिशिएटर कैश स्पेस है, ठीक है, ये एक इनिशिएटर कैश स्पेस है। फिर जब ये कैश स्पेस 8 जो है एक्टिवेट हो जाता है, फिर उस ये जो है ये दूसरे कैश स्पेसेस को फिर से एक्टिवेट कर देता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे कि कैश स्पेसेस 3 और 6। सो कैश स्पेसेस 3 और 6 एग्जीक्यूशनर कैश स्पेसेस हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूशनर कैश स्पेसेस होते हैं, ये जो है फाइनल प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस करते हैं। तो ये इनिशिएटर कैश स्पेस जो है इंट्रिंसिक पाथवे में कैश स्पेस 8 है, जो कैश स्पेस 8 जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये कैश स्पेस 3 और 6 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि प्रो कैश स्पेस 3 प्रो कैश स्पेस 6 होता है, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो कैश स्पेसेस है पूरे न्यूक्लियस को एंडो न्यूक्लियस
एंडो न्यूक्लियसिस की तरह इसको जो है न्यूक्लियस को पूरा खा जाते हैं, साइटोस्केलेटन को खा जाते हैं, पूरा सेल्स के जो है ऑर्गेनल्स को तहस नहस कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जो है एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस में, ठीक है। तो जब तहस नहस होने के बाद क्या हो जाता है, सेल के अंदर जो है सेल में लेकिन स्वेलिंग नहीं होगी, यही सेल जो है एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस के बाद सेल मेम्ब्रेन रहेगा अंदर का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर बाद में जो है उसके बाद जो है साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स, ऐसे ब्लब्स नजर आएंगे और जो है इसके अंदर ऐसे ऐसे धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स यानी ऐसे नजर आएंगे और थोड़े डैमेज जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है या साइटोप्लाज्म का जो भी डेड टिश्यूज है वो जो है इसके अंदर जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज, अपोप्टोटिक बॉडीज, अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगे, ठीक है। तो अपोप्टोटिक बॉडीज होके बाद में मैक्रोफेजेस के जरिए काफी अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगे। अपोप्टोटिक बॉडीज क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा सेल मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर न्यूक्लियस का जो डेड मटेरियल चाहे तो रहेगा या नहीं रहेगा, और जो भी ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल या एंडोस्केलेटन का जो भी जो डेब्रिस रहेगा उसके अंदर जमा हो जाएगा, ये अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएगा। अपोप्टोटिक बॉडीज कैसे एंगल्फ होंगे फैगोसाइटोसिस से मैक्रोफेज के जरिए वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी राइट नाउ इंट्रिंसिक पाथवे में इतना याद रख लीजिएगा कैस्पेसिस कौन से एक्टिवेट होता है। तो कैस्पेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी ये होता है नाइन, सॉरी मैंने गलती कर दी, नाइन कैस्पेस नाइन होता है, ठीक है, जो इनिशिएटर होता है कैस्पेस नाइन होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस एट होता है, ठीक है, मैं अभी आपको फिर से एक्सट्रिंसिक पाथवे में बताऊंगा। तो इसमें कैस्पेसिस नाइन एक्टिवेट हो जाता है जो कि इनिशिएटर कैस्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे का, फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेस जो है कैस्पेसिस थ्री और सिक्स है जो कि अल्टीमेट ये करेगा, याद रख लीजिएगा इनिशिएटर कैस्पेस, ओके मिस्टेक हो गया था, कैस्पेसिस 9 है, मैं रिकरेक्ट कर दूं, कैस्पेस 9 है इंट्रिंसिक पाथवे में और एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है कैस्पेस 3 और 6, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक जीन्स, प्रो अपोप्टोटिक आर बैक्स एंड बैक, एंटी अपोप्टोटिक है BCL2 या BCL-XL, ओके काफी दूसरे भी है मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। अब इसी तरह एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसको डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं वो किस तरह काम करेगा, तो दो मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म हो गया इंट्रिंसिक पाथवे, सो सेकंड है डेथ रिसेप्टर पाथवे। सो डेथ रिसेप्टर पाथवे इसका नाम जो लिखा गया है, तो जो सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं डेथ रिसेप्टर्स, ओके डेथ रिसेप्टर कहते हैं वो। डेथ रिसेप्टर का दूसरा नाम है CD95 भी कहते हैं या उसको FAS रिसेप्टर भी कहते हैं, ये जो है ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर यानी कि TNF फैमिली के TNF यानी कि ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर 1 ये फैमिली से ये बिलोंग करते हैं डेथ रिसेप्टर, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब कोई दूसरा सेल, कोई जब दूसरा सेल जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ठीक है, तो ये टी सेल्स जो है यहाँ पर इसको सिग्नल देता है, तो वो देता है या उसके सेल के ऊपर होता है एक जो लिगैंड होता है, तो वो होता है FAS लिगैंड। तो ये जब रिसेप्टर पे जब बाइंड हो जाता है तो ये डेथ रिसेप्टर पाथवे यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे, जब ये लिगैंड FAS लिगैंड जो है FAS रिसेप्टर यानी कि CD95 रिसेप्टर्स को जब ये बाइंड हो जाता है तो इस जो डेथ रिसेप्टर या FAS रिसेप्टर के अंदरूनी हिस्सा जो साइटोप्लाज्म के अंदर है इसे कहते हैं हम डेथ डोमेन, इसे कहते हैं हम डेथ डोमेन, ठीक है। तो जब ये लिगैंड इसको बाइंड कर देता है तो तकरीबन दो या तीन FAS रिसेप्टर एक साथ जुड़ जाते हैं, इसके डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके बाइंड होने के बाद आजू बाजू जो के जो भी दूसरे रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये डेथ डोमेन इनसाइड का एक्टिवेट हो जाता है ये जुड़ जाता है एक और एक प्रोटीन से जिसे कहते हैं अडॉप्टर प्रोटीन, और एक जो दूसरे मॉलिक्यूल्स से एक्टिव ये जो जुड़ जाता है डेथ डोमेन, तो इस ये और एक प्रोटीन से होते हैं इसको अडॉप्टर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इस अडॉप्टर प्रोटीन का भी एक जो हिस्सा होता है उसे उसका भी एक डेड डोमेन होता है, ओके इसे कहते हैं FADD यानी कि FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ओके ये अडॉप्टर प्रोटीन का जो डेथ डोमेन है इसको कहते हैं FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो जब ये भी एक्टिवेट हो जाता है तब ये इनिशिएटर कैस्पेसिस 8
ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेस जो कि प्रो कैस्पेस 8 तो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव कर देता है। तो मैंने मिस्टेक किया था, इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 8 होता है। तो कैस्पेस 8 जो है एक्टिवेट हो जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए, ठीक है, और इन ह्यूमंस में जो है कैस्पेस 10 भी एक्टिवेट होता है जो कि इनिशिएटर फेज है। ठीक है, इनिशिएटर फेज में ये एक्टिवेट होने के बाद फिर से फाइनल एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस जो है कैस्पेस 3 और 6 ही रहेंगे, सेम स्टोरी रहेगा, पूरा जो है स्केलेट इसको सेल को डैमेज कर देगा और अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएगा। ठीक है, ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होने के बाद अल्टीमेटली जो है सेल्स के पूरे ऑर्गेनल्स डैमेज हो गया, न्यूक्लियस डैमेज हो गया और अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाते हैं। तो इस एपोप्टोसिस बॉडीज का फेट क्या होता है, तो काफी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नजर आते हैं अपोप्टोसिस में। तो टाइम ज्यादा हो रहा है तो मुझे डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता हूं कि क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अपोप्टोसिस में। हल इतना बता दूंगा कि सेल का साइज जो है श्रिंकेज हो जाएगा। ओके, सेल साइज जो है श्रिंकेज होगा। ओके, श्रिंकेज और यानी कि साइज घट जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा और जो है अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगे, ये अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगे। फिर जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन नज़र नहीं आएगा और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके डीएनए का जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें एक लिपिड, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो है लिपिड बाइलेयर होता है उसके अंदर के हिस्से में एक लिपिड होता है, उसका नाम है फॉस्फोटिडिल सीरिन, फॉस्फोटिडिल सीरिन। ओके, ये जो अंदरूनी हिस्से में जो लिपिड होता है ये अपोप्टोटिक प्रोसेस में जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये फ्लिप हो जाता है, यानी कि जो अंदरूनी हिस्से में जो ये लिपिड है अब ये बाहर के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, फॉस्फोटिडिल सीरिन। तो ये बाहर के आ जाने से क्या होगा, तो यहाँ पे अपोप्टोटिक बॉडीज जो भी बन जाएंगे ये अल्टीमेटली मैक्रोफेजस जो सेल्स होते हैं ये इसको खा जाते हैं, यानी अपोप्टोटिक बॉडीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, ऑप्सोनिंस के जरिए ये अट्रैक्ट होगा, इवन ये फॉस्फोटिडिल सीरिन जो है जो बाहरी हिस्से पे आएगा वो अट्रैक्ट करेगा और अपोप्टोटिक बॉडीज को ये डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी कि एनगल्फ कर लेंगे और सेल का नामो निशान नहीं रहेगा और आजू बाजू जो आसपास के जो भी सेल्स हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि सेल डेथ हो गया, यानी कि इतना नीट तरीके से सेल डेथ होगा। तो ये इसे अपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि सेल्फ सुसाइड या प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के दूसरे डिटेल्स देखते हैं। धन्यवाद।